हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आप लोग भी गैलेक्सी M15 के मॉडल में आप लोग ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड को चलाना चाह रहे हैं या फिर चालू करना चाह रहे हो तो किस तरीके से चालू कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो की स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग अपनी गूगल डायलर होगा वो उसको इस तरीके से देन ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 लाइन्स मिलते हैं, इस 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर सेटिंग देखने को मिलती है, सेटिंग, इस सेटिंग पर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कई सारी सेटिंग देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड कॉल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कॉल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऑटो रिकॉर्ड कॉल। ठीक है, ऑटो रिकॉर्ड कॉल पे इस तरीके से इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब आप लोगों इस पर ही इस तरीके से टच करेंगे। देन टच करने के बाद फ्रेंड्स अब आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे कई सारे इंटरफेस नज़र आ जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आल नंबर पर आप लोग क्लिक करोगे तो इसका यह मतलब होता है कि आप लोग अब जरा तरफ से कॉल करोगे या फिर उसकी तरफ से कॉल आएगी तो सभी नंबर की कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखने को मिलता है कॉल विद अनशिप्ड नंबर। इस नंबर पे देखने को मिलता है कॉल विद अनशिप्ड नंबर। कॉल विद अनशिप्ड नंबर का यह होता है कि आप लोग जो आपका फ़ोन में जो अननोन नंबर आता है उसकी कॉल रिकॉर्ड यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, उसकी कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर देखने को मिलता है कॉल विद स्पेसिफाई नंबर। इसका यह मतलब होता है कि आप लोग कोई नंबर को चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। कोई नंबर आप लोग को नंबर होता है, जैसे कि आप लोग अपने फ्रेंड का नंबर या फिर अपने भाई का नंबर आप लोग चूज़ करना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखने को मिलता है नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखना नंबर्स टू ऑटो रिकॉर्ड, इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग पे देखने मिलता है कॉन्टैक्ट पर क्लिक करोगे और यहाँ पर किसी का नंबर आप लोग ऐड करना चाह रहे हो यहाँ से ऐड कर सकते हो। सपोज मानो मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ये वाला, ठीक है, इसका नंबर ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पे नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपको बैक करेंगे, यहाँ पे नंबर आप लोग यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हो। इसके बाद आपको बैक करेंगे, जब भी आप लोगों को एक पास कॉल आएगी तो इसके नंबर पे इसकी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रेंड्स, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट का बहुत जल्द से रिप्लाई देता हूँ। बस यही थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।